महादेव की नगरी काशी में तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मगर दोस्तों आज एक नई वीडियो में आपको हम दिखाने आए हैं वाराणसी लोरार कुंड। सूरज की पहली किरण इसी कुंड पर पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के 80 रोड पे, आपको ले चलेंगे तुलसी घाट की तरफ। दोस्तों 21 सितंबर को लोरारक छठ पूजा है, तो वो आप लोगों को हम दिखाने आए हैं। आज दिनांक 19 सितंबर है, तो आप लोगों को हम पूरी तैयारी दिखाने आए हैं। और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं लोरार छठ वाले दिन गंगा स्नान करते हैं। वो चल रहे हैं आप लोगों को दृश्य दिखाने भाई, और ये रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधा चला जाएगा 80 घाट की तरफ और ये सीधा जाएगा बुदलिया चौराहा। हम चल रहे हैं सीधे लोरारक कुंड की तरफ। ये यहाँ का दृश्य देखिए आप दोस्तों, तुलसी द्वार। और दोस्तों आप लोगों को एक दृश्य और दिखाते हैं। यहाँ पे बल्ली से बैरिकेडिंग किया गया है, ये देखिए पूरा चारों तरफ। और इस साल 2023 में व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है, ये देखिए पूरा पल्ली। अब चलने सीधे दोस्तों लोरारक कुंड की तरफ, वो आपको हम दिखाएंगे। आज दोस्तों मंगलवार है, 19 सितंबर है, और इस समय समय देखिए 11:22 हो रहा है। ये रास्ते का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पूरा देखिए साफ़ सफाई हो रहा है, और यहाँ से जो भी कचरा है वो सब हटाया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम लगी है। अब चलने सीधे दोस्तों गली के अंदर से ये रास्ता जाता है। ये देखिए पूरा तैयारी, बल्ली गड़ा रहा है। वो सामने देखिए मंदिर है, लगभग हम पहुंच चुके हैं। लोला केशवर महादेव जी का ये मंदिर है। और आप चल रहे हैं दोस्तों कुंड के तरफ। यहाँ से कुंड दिख जाएगा दोस्तों, ये देखिए। और हम चलेंगे नीचे भी, चलेंगे नीचे का भी दृश्य दिखाएंगे दोस्तों। और इस कुंड के बारे में बहुत सारी रहस्य ऐसी ऐसी है, वो आप लोगों को भी हम बताएंगे दोस्तों। अब हम चल रहे हैं सीधे सीढ़ियों से नीचे, और ये जो सीढ़ियों का रास्ता है सीधे खड़ी सीढ़ी जाता है, वो भी टोटल 35 सीढ़ी है। साइड से रास्ता दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों इस कुंड के बारे में आप लोगों को हम रहस्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों महाभारत से ये जुड़ी ही है और सतयुग से ये पूरा कुंड है। तो दोस्तों बताया जाता है, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं एक कुआँ है, और कुआँ के जस्ट बगल में ही लोरारक कुंड है, और बगल में ही गंगा घाट से ये पूरा अटैच है। चारों तरफ से ये सीढ़ियों का रास्ता देखिए, एक साइड इधर से सीढ़ी का रास्ता है, एक साइड इधर है, और तीन साइड से ये रास्ता है। टोटल करीब 35 सीढ़ी है। और एक बार दोस्तों यहाँ पे एक बंगाल के राजा आए थे,
वो चर्म रोग से परेशान थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इस कुंड में आए थे, गंगा स्नान किए, कुछ ही सालों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, तभी से ये और ज़्यादा चर्चित हो गया। दोस्तों, लोरारक छठ पूजा वाले दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। राज, आप कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर ज़िला। मिर्ज़ापुर, लोरारक कुंड 21 सितंबर को है जी। यहाँ पे देख रहे हैं कई श्रद्धालु पहले से ही आ गए, मतलब 2-3 दिन पहले आ गए हैं। ऐसा है ना कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इतना मतलब भीड़ लगता है कि जितने MP से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गाजीपुर बलिया कई ज़िले से आते हैं ना, तो इसलिए सब ये लोग सोचते हैं कि मतलब कि आगे पीछे ना हो पाए, इतने भीड़ होता है, छूट ना जाए। हाँ, कहीं छूट ना जाए। और आपके परिवार में कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे परिवार में कम से कम 12 लोग हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग 3 दिन से पहले से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसी क्या मान्यता है कि लोग खींचे हुए चले आते हैं? अरे सर, मान्यता बहुत मान्यता है यहाँ, जिसको मतलब होता है संतान नहीं पैदा होता है ना, तो यहाँ वो रियल बात है कि वो होता है। अगर नहा के जाएंगे आप कुंड में, इनकी इतनी बड़ी मान्यता है कि आपको होना आता है। अच्छा, लाखों श्रद्धालु की भीड़ लगती है? अरे कम से कम 2-4 लाख की, 1-2 लाख की नहीं, 2-4 लाख की बात है। अगर हम अगले साल की बात करें, 2022 में कैसा व्यवस्था था यहाँ पे? सर इतना भीड़ था ना कि कोई पैर रखने का जगह नहीं था, इतना भीड़ था कि हम लोग खुद नहीं डोल पा रहे थे। अच्छा। हम उस बार भी आए थे अपने भाभी को लेकर, इस बार भी आए हैं अपने चाची को लेकर, बहुत भीड़ था। अच्छा, क्या इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है? होती है सर, सच बात है, होती है। नहीं होती तो फिर इतना पब्लिक क्यों आते हैं? 2-4 लाख पब्लिक आ रहे हैं तो क्यों आते हैं? अच्छा, बताया जाता है कि एक फल का त्याग भी करना पड़ता है। जी, 5 फल होता है जिसमें एक फल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। चाहे बेल हो या धतूर हो या कैट हो, बहुत फल है, मतलब एक फल को प्रयोग किया जाता है और फल को खाया नहीं जाता है। हाँ, जब तक आपको न हो जाए बच्चा। और क्या लहसुन प्याज से भी परहेज किया जाता है? नहीं, उससे नहीं दिक्कत है, वो खा सकते हैं। जो फल इसमें कुंड में छोड़ेंगे वो फल नहीं खाएंगे। और इस कुंड में जैसे आपका शरीर का जो भी गहना वगैरह सब कुछ भी छोड़ना पड़ता है? सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अच्छा, सब हाँ, सब कुछ होना पड़ता है यहाँ, तो वही मान्यता है। जो चीज़ जो कपड़ा रहेगा नहाएंगे उसको उतारना पड़ेगा। मेरा नाम हीरा लाल है। कहाँ से आप आए? ग्राम सहजनी से। सहजनी से? अच्छा। हाँ। इस लोरार कुंड के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आया था पहली बार, नहा कर चला गया। अच्छा, कब आए थे? कम से कम 20 बरिस हो गया। अच्छा, 20 बरिस। इसका आपके साल आए थे। अच्छा। नहा रहे हैं, गए हैं लोग नहाने। हाँ। अच्छा, आप जब आए थे तो 20 बरिस पास, तो आपको क्या प्राप्ति हुई? लड़का पैदा हुआ। अच्छा, लड़का हुआ। लड़का हुआ। मानते हैं आप हैं इस कुंड के बारे? हाँ हाँ, मानते हैं, तभी ना आए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मानते हैं।
रमेश पांडे, रमेश कुमार पांडे प्रधान पुजारी लोलारा कुंड। जुड़ी रहस्य क्या है इस मंदिर से? जुड़ी रहस्य बहुत है। रहस्य में भगवान सूर्य का स्थान है, सूर्य भगवान के प्रभाव से कुंड प्रकट हुआ है, सूर्य भगवान ने अपने हाथ से ये शिवलिंग स्थापित किया है जो विश्व में एक शिवलिंग है। बताया जाता है कि भगवान सूर्यदेव का रथ इसी कुंड में गिरा। रथ नहीं गिरा है, रथ का पहिया गिरा है। रथ का एक पहिया कुंड में गिरा है, लोलारा कुंड में, जिससे कुंड प्रकट हुआ है। सूर्य भगवान यहाँ रहे हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या की है। सूर्य भगवान जब जाने लगे हैं तो शिवलिंग स्थापित किए हैं जो अर्घा पूर्व की तरफ है। विश्व में एक है शिवलिंग जो कि कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सारे शिवलिंग उत्तर की तरफ रहते हैं, इनका अर्घा पूर्व की तरफ है। और चर्म रोग, कुष्ठ रोग, अस्वस्थता, जो जिसको अस्वस्थ ज़्यादा रहता हो, वो लोग लोलारक षष्ठी पर्व में स्नान करते हैं। और संतान पर प्राप्ति के लिए भी स्नान करने का महत्व है। पुत्र प्राप्ति के लिए फल लेंगे, फल लेके उसका संकल्प पूजा करके तब उसके बाद स्नान करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं, स्नान करके बाबा के यहाँ मन्नत करते हैं, भगवान लोलारकेश्वर महादेव के यहाँ मन्नत करते हैं, और मन्नत करके वहाँ से गोद भरवा के तब जाते हैं।